अगली खबर में बात करते हैं कानपुर की, जहां आज से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर परिसर से जिलाधिकारी नेहा जैन ने किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अंतर विभागीय जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत सभी ग्रामों, मोहल्लों तथा वार्डों में नियमित साफ सफाई, छिड़काव व सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा। वह दस्तक अभियान के अंतर्गत आशाओं द्वारा घर घर दस्तक देकर दिमागी बुखार की रोकथाम तथा उससे बचाव के संबंध में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, दिमागी बुखार जानलेवा भी हो सकता है, रोग के उपरांत शारीरिक और मानसिक विकलांगता भी ला सकता है। दिमागी बुखार से इस लड़ाई में हर संभव सभी प्रयास करें, शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें और सभी को यही करने के लिए प्रेरित करें। व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, अपने गांव के वातावरण को स्वच्छ रखें तथा समुदाय को साफ सफाई एवं स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो तो उसके परिवार को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करें। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा, खासकर आशाओं द्वारा घर घर दस्तक देकर जन सामान्य को दिमागी बुखार से बचाव एवं रोकथाम के बारे में जागरूक किया जाएगा। जन सामान्य से अपील करते हुए कहा है कि अपने बच्चों को JEE के दोनों टीके लगवाएं, स्वच्छ पेयजल ही पिलाएं, पूरी बाह वाली कमीज और पैंट पहनाएं, पीने के लिए इंडिया मार्क 2 के पानी का ही प्रयोग करें, कुपोषित बच्चों का विशेष ध्यान रखें, खुले में शौच ना करें, रोजाना स्नान करें ताकि संचारी रोगों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि बुखार होने पर बच्चों को बिना किसी देरी के उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाएं। कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, इसलिए पूरी सावधानी बरतें। इस अवसर पर जिला मलेरिया अधिकारी सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे। संचारी रोग बताना है।